Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the revision of cost sheet, and we are going to revise the various points related to the cost sheet. और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि cost sheet को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, format में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, exam से related कौन से questions important है. तो those students who are going to re-attempt the paper of semester 5 costing paper, तो उनके लिए काफ़ी help होने वाला है. और ये जो चैप्टर है वो आइडल के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है. तो हम कॉस्ट शीट के बारे में आप डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने बेसिक्स कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्लियर करें एज वेल एज 15 मार्क्स स्कोर करें. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट शीट जो आपको चैप्टर है यूनिवर्सिटी में, ये चैप्टर 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. सो वी हैव कॉस्ट शीट एंड रिकंसिलेशन. सो कॉस्ट शीट एक बेस है, और कॉस्ट शीट अगर आपको आता है तो आप रिकंसिलेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ये दोनों क्वेश्चंस आपस में ऑप्शन में आते हैं. तो अगर आपको कॉस्ट शीट कंफर्टेबल है तो आप कॉस्ट शीट ही सॉल्व करें, बिकॉज रिकंसिलेशन थोड़ा लेंथी प्रोसीजर बन जाता है और उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द कॉस्ट शीट इज कंसर्न. तो कॉस्ट शीट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कॉस्ट शीट में आपको क्या क्या बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फॉर्मेट से रिलेटेड, लेवल से रिलेटेड अभी हम स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर 3 लेवल्स इन कॉस्ट शीट. तो तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, तीन में से किसी भी एक टाइप के ऊपर. नंबर फर्स्ट है यूनिट्स लेवल, जिसमें हम एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं, अमाउंट का कॉलम बनाते हैं और कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बनाते हैं. ये वाली लेवल में आपको एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है, वो है अगर आपको प्रोडक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको प्रोडक्शन कैसे ढूंढना है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. यहाँ पे यूनिट्स ही लेना है, ये भी ध्यान रखें. सेल्स का यूनिट्स लेना है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स लेना है, फिनिश गुड्स का, और ओपनिंग स्टॉक का भी यूनिट्स लेना है फिनिश गुड्स का. और अगर सेल्स नहीं दिया होगा तो प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको सेल्स भी मिल जाएगा. ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. नेक्स्ट है हमारा जो सेकेंड लेवल है, वो है नॉर्मल लेवल. देखो, नॉर्मल लेवल का मतलब होता है आपको क्वेश्चन में यूनिट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं होगा. सो इफ़ यूनिट्स इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन, वो कॉस्ट शीट काफ़ी ईजी हो जाता है. लेकिन इस टाइप के कॉस्ट शीट में बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, उसको आपको सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि फैक्ट्री में कौन सा जाएगा, ऑफिस में कौन सा जाएगा. तो ये भी एक टाइप का कॉस्ट शीट आपको पूछा जा सकता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट शीट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. देखो, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पे बहुत सालों से क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे, बट सेमेस्टर 5 का जो पेपर हुआ था उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया. तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट एक ऐसे टाइप का कॉस्ट शीट है जिसमें हम दो टाइप के कॉस्ट शीट बनाते हैं. एक होता है हमारा, समझो 2019 ईयर का ही हम एक कॉस्ट शीट बनाएंगे, एंड वी विल बी एस्टिमेटिंग कॉस्ट शीट ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर. 2020 का हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो इसमें दो कॉस्ट शीट बनते हैं. तो अगर आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कन्फ्यूजिंग लगता है तो आप एक कॉस्ट शीट इसमें से बना सकते हो, उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे. लेकिन आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस इसमें ढूंढ सकते हैं. अब लास्ट सेमेस्टर में अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आया है तो इस सेमेस्टर में एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है. तो आपके पास दो वैरायटी बचा है, दो लेवल्स बचे हैं. एक है आपका यूनिट्स का लेवल, एक है आपका नॉर्मल लेवल. तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट्स का लेवल पे यूनिवर्सिटी इस बार फोकस कर सकता है. तो आप यूनिट्स की लेवल को प्रॉपरली पढ़ के रखें, सो दैट आपके बेसिक जो है 15 मार्क्स से रिलेटेड वो आपको मिल पाएंगे. अब कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेट क्या है, पॉइंट्स क्या है. तो फॉर्मेट में आपको याद रखना है, सबसे पहले हमें डायरेक्ट मटेरियल लेना है, फिर डायरेक्ट वेजेस लेना है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है. तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगा. डायरेक्ट वेजेस को एक दूसरा नाम भी दे सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव वेजेस. तो प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करेंगे तो हमें वर्क्स कॉस्ट मिलेगा. तो मैंने छोटा सा फॉर्मेट किया, अंदर के पॉइंट्स आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं. वर्क्स कॉस्ट में अगर हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को प्लस करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपको याद रखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपको प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे तो सीपीयू मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए तो रेट्स हमको अवेलेबल रहते हैं. COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके हम सेल से डिवाइड करेंगे. तो वर्क कॉस्ट के बाद हमें क्या ऐड करना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. तो वी विल बी गेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करना है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेट पे होगा. देन COGS मिलेगा. अभी COGS से रिलेटेड आपको डिवाइड करना है सेल से. COGS के बाद आएगा ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस करोगे तो आपको मिलेगा
कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर आप प्रॉफिट प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा सेल्स का पॉइंट। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। और कॉस्ट शीट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी फोकस करता है कि आप लोग वो पॉइंट्स को पढ़े और फॉर्मेट में लिखे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम नहीं लिखते, तो वो पॉइंट भी ज़रा ध्यान में रखें। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल आइटम है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, रेंट रिसीव्ड है, तो वेरियस पॉइंट्स विच आर नॉट रिलेटेड, वो भी आपको ध्यान रखना है। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।